दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वीरवार को भी वकीलों का प्रोटेस्ट जारी रहा। वीरवार को भी सैकड़ों वकील रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 4 पर इकट्ठा होकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे और पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में वीरवार को भी कामकाज बुरी तरह से ठप रहा। सुबह से ही रोहिणी कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकील एक साथ इकट्ठा हुए और पिछले दिनों की तरह वीरवार को भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ वकीलों के एकजुट ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अभी भी इनकी मांग जस की तस बनी हुई है कि जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। रोहिणी कोर्ट में वीरवार को लोगों की आवाजाही पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन काम पूरी तरीके से ठप रहा। इसकी वजह से जिन लोगों की आज तारीख थी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हमारी मांग ये है कि जिन्होंने हमारे वकील भाइयों पर गोली चलाई शनिवार को, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जिनके आदेश पर चलाई, जिन गोली चलाई और लाठी चलाई, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अब तक जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने गोली चलाई, जब तक वे अरेस्ट नहीं होते तब तक ये एब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क जारी रहेगा। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उन पुलिस वालों को अरेस्ट नहीं किया जाता जिन्होंने गोली चलाई है, और उनको उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था और जिन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, उनके खिलाफ जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी।